मोदी जी फिर आज कौन सी कहानी सुनाओगे? भैया तुमको जो पसंद हो बता दो, मैं सुना दूंगा। आज कर्म पैसे कहानी सुनाओ। चलो ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक मजेदार और रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ कि कर्म से कैसे पहचाना जाता है। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने गया हुआ था। शिकार करते करते राजा साहब को एक सूरदास मिला। मोदी जी, सूरदास कौन? क्या वह अंधा आदमी था क्या? हाँ भाई, वह अंधा आदमी था। राजा साहब ने सूरदास से पूछा, क्या तुम्हें इधर से कोई हिरन भागता हुआ दिखा क्या? मोदी जी, राजा साहब पागल था क्या जो अंधे से हिरन के बारे में पूछ रहा है? नहीं भैया, राजा पागल नहीं था और आदमी अंधा था, बहरा नहीं। आवाज तो सुनी होगी कि हिरन किधर जा रहा है, तो सूरदास ने कहा, हाँ राजा साहब, हिरन भागता हुआ गया है। फिर कुछ देर बाद एक नौकर आया और सूरदास से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वे राजा और मंत्री थे? तो सूरदास ने कहा कि भैया, उनकी बातों से पता चला कि वे राजा और मंत्री थे। फिर नौकर ने जाकर ये समाचार राजा साहब को सुनाया तो राजा साहब बहुत खुश हुए और नौकर से कहा कि सूरदास को महल में बुला लाओ। नौकर ने सूरदास को महल में ले आया। राजा साहब ने सूरदास के लिए दाल रोटी भात से भरा थाल सूरदास को खाने के लिए दिया। इतने में ही एक मोती विक्रेता मोती बेचने आया तो राजा साहब ने मोती खरीदने के लिए मोती वाले को बुलाया और मोती सूरदास को दिखाए। मोदी जी अंधे को क्यों दिखा रहा है, वह क्या देखेगा? हाँ, पर हाथों से चप्पल का एहसास भली कर सकता है। तो अंधे ने सारे मोती चपले और फिर सूरदास ने कहा कि ये सारे मोती खराब है। फिर राजा साहब ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये सारे मोती खराब है? सूरदास ने कहा कि इन सारे मोतियों में रेत भरी हुई है जो मुझे इनके वजन से मालूम पड़ा है। राजा साहब ने मोतियों को फोड़ कर देखा तो उनमें रेत मिली। राजा साहब को और खुशी मिली। राजा साहब ने सूरदास की थान में घी और डलवा दिया। मोदी जी, सूरदास तो राजा साहब को खुश करके दवा के माल पानी खाएगा। राजा लोग ऐसे ही होते हैं, जरा सी खुशी मिली फिर देखो कैसे लुचवाते हैं अपने आप को। हाँ भैया सही है। फिर कुछ देर बाद एक घोड़े बेचने वाला आया तो राजा साहब ने घोड़ा सूरदास को बताया तो सूरदास ने घोड़े को हाथों से देखा। फिर सूरदास ने कहा कि यह घोड़ा जोड़ों के साथ पैदा हुआ है क्योंकि इसका पेट चौड़ा है। फिर राजा साहब ने सूरदास की थाली में मिठाइयां रखवा दी खाने के लिए। इसके बाद फिर राजा साहब ने पूछा कि भैया मैं पक्का क्षत्रिय हूँ या नहीं? मोदी जी, राजा साहब को भी अपने आप पर संदेह था क्या कि वो क्षत्रिय है या नहीं जो बेतुका सवाल पूछे जा रहा है? होगा भैया संदेह। तो सूरदास ने कहा कि राजा साहब आप क्षत्रिय नहीं हो। राजा साहब को सूरदास की बातें सुनकर क्रोध आ गया और कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ तो क्या चमार हूँ? सूरदास ने कहा कि मैं तो नहीं बोल रहा, तुम ही अपने आप को चमार बता रहे हो। मेरी नजर में तो तुम एक बनिए हो जो प्रसन्न होने पर कभी घी दे रहे हो तो कभी मिठाइयाँ दे रहे हो। अगर तुम क्षत्रिय होते तो मुझे लाखों रुपए इनाम देते, दूध घी मिठाई नहीं देते। मोदी जी, सूरदास तो बड़ा ही छट्टा आदमी निकला। अरे वो कहते हैं ना, अंधे रंगड़े बहरे लोग एक गुण आगे ही होते हैं। हाँ भाई, लाखों रुपए की बात बोली है सूरदास ने। मोदी जी, फिर क्या सूरदास को पैसे दिए राजा साहब ने? अरे भैया पैसे वैसे कहाँ के, दो चार सपाटे मारकर भगा दिया। अरे बनिया भी भला फोकट में किसी को पैसा देता है जो सूरदास को देगा? ऐसे ही भैया, कर्म के द्वारा आदमी की पहचान होती है। और भैया कहानी खत्म। वाह मोदी जी, बहुत ही मजेदार और रहस्यमय कहानी सुनाई। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।